जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नहीं, पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है, आपने कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घर को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में, मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक्सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। मैं उसको दुगना उठाऊंगा। और जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नहीं, पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी, आपके पास तो घर भी नहीं है, कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घर को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे एक महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था 19 साल में, मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक्सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, मैं उसको दुगना उठाऊंगा।